फ्रेंड्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हम जो अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे थे, वो हमने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और उसी दो एप्लीकेशन, जो पहली एप्लीकेशन थी हमारी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, और दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन थी वो थी कि टू चैट whether the physical relation is correct or not with the help of dimensional analysis. And the third application हमारे पास है, dimensional analysis की तीन application है, दो हमने पहले पढ़ ली हैं, और जो तीसरी application वो है to derive a formula for a physical quantity. To derive a formula for a फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है टू डराइव ए रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला हमें बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ ए पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल मूव इन ए सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है r, और ये पार्टिकल है जिसका मास m है और जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। वो यहाँ हमें बता रहा है कि जो फोर्स है इस पर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम है इसका, बाद में पढ़ेंगे हम। ये फोर्स इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और ये हमें बता दिया। उसके बाद इस फोर्स का जो फॉर्मूला हो रहा है, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला हो रहा एम वी स्क्वायर बार आए रहा, ये हम विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बता सकते हैं। इट मींस टू डराइव ए फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, हम डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी तीन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे उसने हमें बताया था कि फोर्स जो है ना वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और आर पे। उसके बाद हमने फॉर्मूला बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये फिजिकल क्वांटिटी है ये इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। यदि हमें ऐसा बता दिया जाए तो ईजिली हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एनालिसिस वी कैन डराइव ए फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि हमारी शर्त है, बशर्ते प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। दोबारा पढ़िए इसको। With the help of dimensional analysis, we can derive a formula for a physical quantity. हम किसी भी physical quantity के लिए formula बना सकते हैं, provided, बशर्ते we know the factors,
ऑन विच, हमें वो फैक्टर पता होने चाहिए, वी नो द फैक्टर, हमें उनका पता होना चाहिए, ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, जी उन पर ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें फॉर्मूला बनाना है कि वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसको एग्जांपल एग्जांपल लीजिए आप, फिर ये समझ आ जाएगा। लिखिए द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मे डिपेंड ऑन, मे डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बोब, नया वर्ड है बोब, मास ऑफ द बोब एम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग length of the string L, string क्या होता है धागा, and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity that is g. Derive a formula for the time period. Derive a formula for the time period. Time period के लिए formula बनाइए। उसने हमें बताया है कि time period के लिए आपने formula बनाना है और जो time period of the pendulum है वो तीन चीजों पे निर्भर है, तीन चीजों पे depend हो रहा है, m, L और Z, M, L एंड Z। चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बनाते हैं फॉर्मूला सॉल्यूशन के। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड T। अब ये देखिए टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, यहां देखिए एक बार समझने के लिए, M, L एंड Z। इसमें हमें एक बात चाहिए, जो बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि मान लो मुझे ये बोलता है कोई, मेरी स्टेटमेंट देखो, मां जो टी है वो मास पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन मास, इट मींस टी प्रोपोर्शनल टू एम, T depend on mass, it means T proportional to M। यदि मैं ऐसे लिख दूं M square, अब भी वही स्टेटमेंट है, T depend on mass। अब मैंने ऐसे लिख दिया है कि जो टाइम पीरियड है वो मास की ट्यूब पे डिपेंड करता है। अब टाइम पीरियड में यदि M ट्यूब आ रहा वो तब भी M पे डिपेंड हो रहा। अब हमें फॉर्मूला लास्ट में ये नहीं पता है कि हमारे फॉर्मूले के लास्ट में m आएगा, m स्क्वायर आएगा या l की ट्यूब आएगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि टाइम पीरियड पर मास डिपेंड है। अब ये नहीं पता हमें कि वो m पर डिपेंड है या m की स्क्वायर पे डिपेंड है या m की 3 पे डिपेंड है या m की 4 पे डिपेंड है। सिमिलरली हमें ये पता है कि जो t है वो l पे डिपेंड है, हो सकता है वो एल स्क्वायर पे डिपेंड है, तब भी तो वो एल पे ही डिपेंड होता। तो इसीलिए हमने यहां बोला कि टाइम पीरियड तीन चीजों पे डिपेंड है, एम, एल एंड जी, लेकिन एम की पावर कितनी होनी चाहिए ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने इसको आर्बिट्रेरी मान लिया, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। यदि ये तीनों ही वन हुए तो एबीसी वन आ जाएगा। तो हमने आर्बिट्रेरी मान लिया कि जो टाइम पीरियड टी है वो एम की पावर ए पर, एल की पावर बी पर और जी की पावर सी पर है। यहां थोड़ा हो सकता है माइंड में कुछ आ जाए, अरे
मेरी बात समझिए, जो टाइम पीरियड है उसने बोला टाइम पीरियड मास पे डिपेंड है, तो इसका मतलब वो मास तो मास की पावर एम वन पे भी डिपेंड हो सकता है। यदि उसके फॉर्मूले में एम स्क्वेयर आ रहा तब भी तो हम ऐसे ही बोलेंगे जी वो मास पे डिपेंड है, इसीलिए हमें उसकी पावर रियल में पावर नहीं पता, इसीलिए हमने उसकी आर्बिट्रेरी पावर बना ली है, इसीलिए हमने उसकी आर्बिट्रेरी पावर बना ली है, इसीलिए। और ए बी सी क्या है फिर, ए बी सी आर दी डायमेंशंस, आर दी डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ तीसरी डायमेंशन है ये एम एल एंड जी की, एम एल एंड जी। अब ये प्रोपोर्शनल का निशान है ये हमने हटा दिया, हमारे पास ये आया एक डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट लगाया मैंने, और ये आया एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, जी की पावर सी, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन वन हुई। अब इस इक्वेशन वन पर दोनों तरफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस ऑन बोथ साइड्स, देन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में टी, सिर्फ टी है ना, इसीलिए हमने लिख दिया एम जीरो एल जीरो टी वन, राइट हैंड साइड इसका फॉर्मूला नहीं होता, इट इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। आफ्टर दैट एम एम डी पावर ए, एल एल डी पावर बी, जी वट इज जी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स एल टी माइनस टू एक्सलरेशन है ये, वट इज जी, जी इज एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू जो ऊपर आया सी, देन वी हैव एम ए एल बी, एल डी पावर सी और टी डी पावर माइनस टू सी, एंड एट लास्ट वी हैव एम पावर ए, एम डी पावर ए, एल डी पावर बी प्लस सी और टी डी पावर माइनस टू सी, और इधर हमारे पास आया एम जीरो एल जीरो टी वन, ये हमारे पास आया। अब यहां से आप देखिए कि हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है इसके बीच में हमारे पास, इसके बीच में हमारे पास बराबर है। अब यदि ये बराबर हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या रहता है कि जितना एम की पावर इधर है उतनी पावर इधर है, जितनी एल की पावर इधर है उतनी एल की पावर इधर है, देन वी हैव अप्लाई प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी हैव एम जीरो इधर एम की पावर ए, इट मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो, एल की पावर इधर जीरो है और इधर बी प्लस सी है, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इधर टी डी पावर माइनस टू सी एंड इधर वन, एंड देन वी सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, बी प्लस सी, बी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट हुई और ये आया हमारे पास वन बाई टू। अब हमारे पास ए भी आया है वन बाय टू, नहीं जीरो, बी आया वन बाय टू, और हमारे पास जो सी आया वो आया माइनस वन बाय टू, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, देन वी हैव टी इज इक्वल टू के एम की पावर जीरो, एल की पावर बी दैट इज वन बाय टू, जी की पावर माइनस वन बाय टू, इट मीन्स वी हैव के एल ऑफ 1 by 2 divided by z to the power 1 by 2 and then at last we have k under root
एल बाय जी. एंड नाउ द फॉर्मूला बिकम्स टी इज इक्वल टू के अंडर रूट नाउ टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी. एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि k की वैल्यू 2 पाई होती है. देन वी हैव t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. इट इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी हमें तलाश थी. तो यहां से हमें एक बात और पता चलती है. हमें यह पता चल रहा है कि जब हमने ये फॉर्मूला बनाया तो इसमें हमें जिस भी एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हमारे पास आया था और उसकी वैल्यू हमें डायमेंशनल एनालिसिस ने नहीं दी है, ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ने दी है. तो इसका मतलब ये हो गया कि यह डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है, उसकी कमी है कि काम सारा उसका था, एप्लीकेशन उसकी थी, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट आया उसकी वैल्यू नहीं दे पाया. तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. लिमिटेशन का मतलब ड्रॉबैक भी होता है, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. फर्स्ट यही बताते हैं हम, इट डज नॉट टेल अबाउट दी वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. सेकेंड वन, हमने डायमेंशनल एनालिसिस का अभी जो एप्लीकेशन पढ़ी है उसमें आपने देखा कि जो भी डायमेंशनल जो इक्वेशन हमने बनाई, या ये मान लो कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला बनाना है, हमने टेम्परेचर का फॉर्मूला बनाया और उसमें लास्ट उसमें थे एम एल और जी और लास्ट में इनका बन गया एम एल और टी. यही बना ना लास्ट में, उसमें एम एल टी आए, इधर भी एम एल टी थे और उधर भी एम एल टी थे. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी यहाँ एम एल टी, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल क्वांटिटी एम एल टी पर डिपेंड कर रही थी. अल्टीमेटली वैसे तो एम एल और जी में था, लेकिन जी में भी तो एल और टी माइनस टू है. तो ओवरऑल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो तीन चीज़ों पे निर्भर हो रही है यहाँ, एम एल और टी पर. यदि एम एल टी के बजाय यह किसी चौथी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी पे भी निर्भर हो जाती, अब इधर भी एम एल टी, इधर भी एम एल टी, एम जीरो एल जीरो टी वन, इधर भी एम एल टी और इधर भी एम एल टी, तभी तो दोनों जो पावर्स हैं होमो इक्वेशन ऑफ होमोजीनिटी से हमने बराबर बराबर की थी. और यदि यहाँ टेम्परेचर साथ में आ जाए या एम्पियर आ जाए, इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, तब हम उसका फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं. इसका मतलब ये हुआ डायमेंशनल एनालिसिस की एक ड्रॉबैक ये भी है कि इफ ए क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन थ्री फैक्टर्स, एम एल टी से ज्यादा भी डिपेंड करती है, तो वी कैन नॉट मेक द फॉर्मूला फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी. इफ ए फिजिकल रिलेशन इफ ए फिजिकल रिलेशन डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फैक्टर्स. कौन से हैं वो मोर देन थ्री फैक्टर्स? एम एल एंड टी. we cannot draw this with the help of
डायमेंशनल एनालिसिस, हम उसे डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से नहीं बना पाएंगे। और थर्ड वन, डायमेंशनल एनालिसिस ने कहीं भी हमें, देखो कितने डायमेंशनल फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, और उन डायमेंशनल फॉर्मूले में हमारे पास लेंथ भी आई, डिस्प्लेसमेंट भी आई, आया ना डिस्प्लेसमेंट का नाम भी आया, और लेंथ का नेचर याद करो आप नाइन्थ में पढ़ाया था हमने, स्टेलर होता है, इसका वेक्टर होता है। स्टेलर का मतलब होता है अदिश राशि, और इसका मतलब होता है सदिश राशि। तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो अदिश हैं और कुछ सदिश हैं, पर डायमेंशनल एनालिसिस ने कहीं भी हमें फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में नहीं बताया है कि कौन सी राशियां इनमें से हमारे पास स्टेलर हैं और कौन सी वेक्टर हैं। तो हम लिख रहे हैं इट कैन नॉट, इट डज नॉट, कैन नॉट नहीं, इट डज नॉट टेल अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट डज नॉट टेल अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वेदर वेदर इट इज स्टेलर और वेक्टर, इट इज स्टेलर और वेक्टर। और लिमिटेशन, एक लिमिटेशन और है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया है, अब सिर्फ हमने उसको अनुभव हो चुका है पर हमारा ध्यान नहीं रहा होगा शायद आपका। अब ये देखिए, आपके पास ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है MGH, और इसको हम, अब पोटेंशियल एनर्जी है याद कीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यस इधर बनाइए एम एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और साथ में हाइट हुई एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए दोनों तरफ जो है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है दोनों तरफ, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले है दोनों तरफ बराबर हैं, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सेम है। अब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ एम जी एच। मुझे मालूम है कि जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये सही नहीं है, पर डायमेंशनली आप इसको चेक कीजिए, इधर आएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, अरे इसका तो फॉर्मूला होता ही नहीं, तो फिर इधर भी आएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला भी सही है, पर वास्तव में ये सही नहीं है, हमें मालूम है, हमें मालूम है ये सही नहीं है, पर डायमेंशनली ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फॉर्मूला डायमेंशनली सही पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही भी होगा। एक ड्रॉबैक है जी, कि ऑल द डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन आर ट्रू आर नॉट ट्रू। तो हमारी फोर्थ एबिलिटी जो ड्रॉबैक है ये है, ऑल डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन आर नॉट ट्रू। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन का जो थर्ड पार्ट हमारे पास बचा हुआ है वो पूरा किया, और उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट हमारे पास अपने प्लस वन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की उसमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपना काम ईमानदारी से पढ़ना है, और बस आप धीरे 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 पढ़ते जाइए, सारी चीज़ें अपने आप आपको आसान लगेंगी। आप, मुझे मालूम है कि सभी बच्चे जो मोस्टली हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम से आए हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी, मीडियम से परेशान नहीं होना है, शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो यस वी आर हियर फॉर यू, ओके थैंक यू।